हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज कोटा से इंदौर के लिए सफ़र कर रहे हैं और हम बैठे हैं इंदौर जोधपुर ट्रेन में, जिससे हम कोटा से इंदौर जा रहे हैं। तो आपको पूरा मैं सफ़र बताऊंगा। और यहाँ देखें तो हम सेकेंड क्लास सीट में बैठे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो इस डब्बे की बनावट लगभग लगभग शताब्दी और राजधानी की तर्ज पे इस डब्बे को डिज़ाइन किया है। ये हमारी ट्रेन। P7 सुपर जोर जोर जोर। ये जनरल
नागदा जंक्शन में और यहाँ पर हमारी ट्रेन कुछ टाइम लेगी यहाँ पर खड़ी होगी, क्योंकि जो यहाँ पर इंजन है हमारा वो आगे की ओर लगेगा और हम लोग उज्जैन और भोपाल की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम मेन दिल्ली बॉम्बे की जो मेन लाइन है उसको छोड़ेंगे और भोपाल वाली लाइन में जाएंगे, तो हमारी ट्रेन यहाँ से उल्टी चलेगी। और ये नागदा में स्वर्ण मंदिर टेंपल आती हुई देखेंगे आप, मुंबई अमृतसर गोल्डन टेंपल, मुंबई अमृतसर स्वर्ण टेंपल। तो फ्रेंड्स ये अमृतसर से आ रही है और मुंबई जा रही है, गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर महल, ये रतलाम होते हुए वाया बड़ोदरा के रास्ते मुंबई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन, जिसका कोड है UJN, और यहां से हम इंदौर के लिए जाएंगे। यहां से दो लाइन कटती है, एक तो उज्जैन से हमारा इंदौर देवास के लिए जाती है और सीधे भोपाल के लिए जाती है। तो हम जा रहे हैं इंदौर और कुछ ही टाइम में हम इंदौर पहुंच जाएंगे। माता रानी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं देवास, जिसका कोड है DWX, और देवास से इंदौर की दूरी मात्र 35 से 40 मिनट का और रास्ता है यहाँ से। और देवास आए तो यहाँ पर जो माता रानी है, माता चामुंडा देवी और बड़ी माता, तो ऊपर टेकरी है, यहाँ पर पहाड़ पे माता जी हैं, तो यहाँ पर आके माता रानी के दर्शन करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं, जिसका कोड है INDB। तो हम इंदौर पहुंच गए हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और कोटा से हम बैठे थे और इंदौर के लिए 7 घंटे इस गाड़ी ने लिए। नागदा जंक्शन में थोड़ा सा लेट होती है ये, क्योंकि इंजन रिवर्स होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप भी आएँ और इंदौर जोधपुर में सफ़र करें, बहुत प्यारी गाड़ी है। बाय बाय।